बना हुआ बच्चों के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। लुक एट दिस, ये भी सेवा फ्री में करी हुई है। हाँ कि मसाज लेना चाहो मसाज ले सकते हो। चोरी करता फड़े गए ने इन्होंने इतने बिठा ले थले। हम लेते फिर माला साहब इनसे। हाँ जी चाय का लंगन मिल गया, साथ में मट्ठी का प्रसाद मिल गया। क्यों से पास हाँ। चलो अपनी बुक लेके आई थी जो ये नानी घर से ले गई थी इसने, तो ये लेके आई थी। सो गई थी मैं रास्ते में पढ़ूंगी। पाठ पुलिन का हो गया पाठ, पता नहीं दरवाजे बंद होने चाहिए वैसे तो, पर बंद है नहीं। आई डोंट नो क्यों है ना, वैसे तो पूरा डब्बा संगत का ही है। आई डोंट नो पर कहाँ से आ रही है और सवारियाँ आ रही हैं, एक ही डब्बे के अंदर सब घुसी जा रहे हैं घुसी जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भी एक्सपीरियंस है गाइस। घर से ना हम प्लॉप पैक करके लाए थे, गुलीन रात को बनाए थे, ये पैक करके लाए थे हम, तो बहुत टेस्टी बने गुलीन। अब सेकंड प्रसाद जो वर्त रहा है बहुत ही टेस्टी सा, आप देख सकते हो मिस्सी रोटी का प्रसाद, अचार साथ में दही है ना भाई, टेस्टी है। ये देखो जी बुक्स एक्सचेंज हो रही हैं। एक्सचेंज हो रही है। अच्छा क्या क्या वो एक्चुअली बुक नहीं लाई बच्चे वाली गेम लगी इतने, हर बंदा अपने हिसाब से इंजॉय कर रहा है। और भाजी तुम कि चोरी करते फड़े गए ने इन्होंने इतने बिठा ले थले। मिले हैं हमें छोले चावल, गुरलीन के फेवरेट। बीच में भेलपूरी भी मिली थी पर इसने खाई नहीं, मैंने कहा भेलपूरी भी मिली थी वो खाई नहीं, अब इनके फेवरेट छोले चावल मिले हैं। वाहेगुरु और प्यारे हो सारी साह संघ की लली है ना। सॉरी सो गाइस हम लोग आ गए हैं, आप देख सकते हो बाबा कुंदन सिंह जी संगत निवास में हम ठहरने वाले हैं। कितना सुंदर बना हुआ ये, लुक एट दिस। सो यस आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, लिफ्ट भी लगी हुई है देख सकते हो आप, वेरी नाइस, पार्किंग भी है। गाइस अभी हम लिफ्ट से उतरे हैं, आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर में आए हैं, कितना सुंदर बना हुआ बच्चों के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, लुक एट दिस। सो गाइस अगर किसी को इसकी लोकेशन प्रॉपर जानी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर प्रॉपर आपको मैं बता दूंगी, आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और ये दिस इज सो नाइस, यहाँ पे मैं ये देखो ये भी सेवा फ्री में करी हुई है। हाँ कि मसाज लेना चाहो मसाज ले सकते हो, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैंने खुद ही रील में देखा हुआ है और लाइव देखने का मौका मिल रहा है। तंतन बाबा कुंदन सिंह जी संगत निवास देख सकते हो गाइस, यहाँ लिखा हुआ है ना, वेरी नाइस। इंस्टाग्राम पे रील देखा था इस वाली निवास का लेकिन लाइव देखने का मौका मिला, बहुत सुंदर बना हुआ है और आज लाइव रहने का भी मौका मिल रहा है। हाँ हम आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस, जबकि हम बुक करा के नहीं आए थे दिल्ली से, और हम आपको पूरा 3 दिन में एक्सपीरियंस बताएंगे। और प्राइस एक बार मैं और बोलना चाहूँगा, जबकि हमने जाम पहले लास्ट टाइम जेपी होटल में रहे थे ना, बाद हमने 1500 या 1800 ऐसे रेंट दिया था पर डे का,
मैंने उनको फोन किया था 14 तारीख को, मैंने बुक किया था, वो कह रहा लेकिन पेमेंट करना नहीं, मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा, तो इसलिए उन्होंने कंफर्म नहीं किया था। मैंने रास्ते में फ़ोन किया, कह रहे भाई साहब रूम नहीं है, तो हमने पहले एडवांस नहीं करा पेमेंट, मैं तो यहाँ के करता हूँ हमेशा, जब भी आपके पास आते कह रहे नहीं प्लीज़, मैं कोई बात नहीं। और बाबा जी ने ऐसे रास्ता खोला कि मेरे को पता नहीं था, मैंने ये बुक नहीं करा, अचानक से स्टेशन से उतरे कहते कि ये रूम बुक करते जो जत्था लेके आते हैं ना, कह रहे कुंदन सिंह वहाँ चलोगे, मैं चलो जी कोई बात नहीं। और मैंने तो सारा गाड़ी से बेटर लगे, हम यहाँ से उतरे हैं, फोर्थ फ्लोर में आए हैं, यहाँ पे गुरुद्वारा भी, बाद में आपको उसका व्यू दिखाएंगे। वाहिगुरु कितना सोहना बनया हुआ गुरुद्वारा साहब भी, अंदर सब कुछ है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गाइस हमने तो मतलब बुक भी नहीं कराया था, उसके बावजूद हमें यहाँ आके आते इतना अच्छा मिल गया। कह रही हूँ देखो ना व्यू कितना अमेजिंग है, मतलब वेरी नाइस, सो नाइस। अच्छा लाइट ऐसे यहाँ दे, लाइट ले जाइए। हाँ नाइस गाइस, लुक एट दिस, द व्यू इज आल्सो वेरी नाइस। ओके द वॉशरूम इज नाइस, मेन्यू भी हैं। हाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है अंदर। ओके एक्स्ट्रा स्लीपर्स भी दे रखे हैं। सो गाइस वेलकम बैक। सो गाइस अब ना हम रेडी हो गए हैं, आपको मैंने रूम का थोड़ा सा टूर तो करा दिया था और थोड़ा मेसी भी हो गया है क्योंकि हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए, ये ना मेरा आज का आउटफिट। सो मैंने एक सूट पाया है और गुल्ली ने कुछ इस टाइप का वेयर किया है। गाइस ऐसे ही और कंटेंट और ब्लॉग्स के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दिया जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर है ऑब्वियसली। हाँ गाइस हमने अमृतसर का ब्लॉग में पहले भी बना रखा है और यहाँ के आसपास की बहुत सारी हमने जो है अलग अलग प्लेसेस दिखाई थी, जैसे कि वाघा बॉर्डर है ना, तरन तरन सिंह गुरुद्वारा का ब्लॉग बनाया था हमने प्रॉपर, इवन हम वहाँ पे पसाडा पिंड भी गए थे सब, तो और हम सब कुछ अपने एक ओन कार में गए थे और वो पिछले साल की प्लेलिस्ट हमने 2022 आई थी। हाँ जी हमने पिछले साल की प्लेलिस्ट में बना रखा है और आपको वो सब देखना है ना, तो आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो अमृतसर का पूरा पिछले साल का ब्लॉग। और एक हफ्ता हमने स्टे किया था यहाँ पे और अलग अलग जगह दिखाई थी, हम अलग अलग खुद गए थे अपने कार में और इस बार ये थोड़ा अलग इसलिए एक्सपीरियंस, एक तो सिर्फ हम 3 दिन रह रहे हैं, दूसरा हम आए ट्रेन से संगत और हम एक ऐसे होटल में रह रहे हैं, होटल डी सराय में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत बढ़िया चीज है, लिटरली आपको हमने दिखाया क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे, इसलिए इस बारी का भी जो ट्रिप है वो थोड़ा अलग है, तो आपको इस बारी भी बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी संगत है, बहुत अच्छा वेदर हो गया, एक तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, मैं आपको गुरु टेम्पल के दर्शन कराती हूँ, अभी हम बाहर से दर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम सबको भूख लगी हुई है, अब थोड़ा कुछ खाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जोड़ा घर आ गया, पीछे था बाबा अटल साहब जी का गुरुद्वारा जहाँ पे कबूतर ही कबूतर होते हैं, हमने आपको अपने पहले वाले ब्लॉग्स में भी दिखा रखा है वो गुरुद्वारा, इस बार भी दर्शन कराएंगे। सो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वैसे वो एंट्रेंस है पर हमें जो रिक्शा वाले ने छोड़ा है वो हमें छोड़ा है बाबा अटल साहब जी के गुरुद्वारे के पास। गाइस देखो कितने सारे कबूतर, हाँ ये लंगर हॉल है, ठीक है सो फाइनली वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाहर से पहले दर्शन कर लो जी। एज यू नो गाइस हमारी फेवरेट जगह आ गई है जहाँ पे मैगी मिलती है, बच्चों की कॉफ़ी मिलती है, एज यू कैन सी गाइस गुरुद्वारे के पास जाना। मैंने मंगाई थी अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, आई थिंक तुमने भी कोल्ड कॉफ़ी लिया ना, सो आपने लिए है आइस टी, लेमन आइस टी, कैसी है? ये रहा गुरुद्वारा साहब एंट्री, अब हम आ गए हैं ये रही मार्केट और फेवरेट कॉटन कैंडी, जो लोग हमारे ब्लॉग्स देखते हैं सबको पता होगा कि कवल का ना फेवरेट कॉटन कैंडी है, भले वो मेट्रो वॉक जाए कहीं पे भी जाए, सो कवल का फेवरेट है कॉटन कैंडी। अब ये लोग इंजॉय कर रहे हैं गोलगप्पे। हाँ और मैंने अपने फेवरेट कलर का लेना था ब्लू कलर का और मम्मा कहती है एक और ले, हाँ वो एक्चुअली भैया ने ना गलती से पिंक निकाली थी, मैंने कहा चल दोनों ही देते कोई बात नहीं। सही कहा, मेरी कोच ट्रेनर मुझे कहेगी इतना खा पी के आई हो, मैं वेट बढ़ा के, कोई नहीं आपने इतने महीने कर ली ना मेहनत, मम्मा इतनी पतली हो गई अब तो कुछ तो खा लो, 3 दिन तो खाना है बस। हाँ मैंने 20 किलो कम किया गाइस 6 महीने में,
और अब पता नहीं कितना बढ़ा के जाने वाली यहाँ पे मैं। कोई निकल लोगे आपको, मुझे आप पे भरोसा है। आए हैं मम्मा के लिए चुन्नी देखने। ब्लैक के साथ कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा था, वो ना ये भी है, वही भी है, ये ब्लू अच्छा लग रहा है। तो अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा लिया? नहीं है, सबसे पहले हमने ये देखा था, ये हमने सबसे पहले देखा था और ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये अच्छा भी लग रहा है। हाँ पापा का पूछ रहे हम ओपिनियन। मम्मा आलू बढ़िया लेते हैं, सॉरी बढ़िया लेते हैं, तो ये कह रही है मैंने कहीं पे देखा है इसकी रेसिपीज वगैरह। मैंने कहा थोड़ी सी कौड़ी होती है, मैं तो थोड़ा नहीं खाती थी, मैं बना दूंगी बट लाइक ना, हाँ कभी ट्राई नहीं की तो मैं वैसा करना है तो देख लो। शी इज अ वेरी गुड कुक यू नो गाइस, सबको पता है। ये किचन स्टार्ट हो गया इनका, मम्मा मुझे किचन चाहिए। क्या बेटा कितने की है? ये कोई भी लो। बच्चे किचन ले रहे हैं, वो रिंग ले रही है और मैं और सिर्फ बिल पे कर रहा हूँ। कभी वो दुपट्टा ले रही है, कभी रिंग ले रही है, कभी कुछ आ रही है, हम आए सिर्फ उसे बिल पे करने। अभी हमने वो डायरी तो ले ली है बीटीएस की, दिखा कौन कौन सा करेक्टर है। ये टाइनी मैन है, और ये शुगा, नहीं जे होप है, और ये फाइनली ये मसूरी वाली पोटैटो स्टिक हमें यहाँ पे भी मिल गई है। गाइस हम लोग ना ये पोटैटो वाले बनवा रहे, देखो लेकिन वो बगल के अचानक से तबियत खराब हो गई, मैंने उसको बोला बैठ जा, पानी वानी पिलाया, कह रही थक अपने घर थकावट हो गई, तो चक्कर से लग रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? चक्कर आ रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा। हाँ कह रही मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, चक्कर से आ रहे, मेरे को लग रहा है थकावट हो गई है। गुलिंग गुला रही है ये, पानी चाहिए इसका, पानी दे दे। हमारे अपनी फेवरेट जगह जो कि है हवेली सारागढ़ी सराय में, और ओवरनाइट चली गई। हमने ऑर्डर करा है वेज चाउमीन, तो अभी ऑर्डर करने गए हैं। फाइनली हमारी चाउमीन आ गई है और ये रहा हमारा फेवरेट हवेली, सो इंजॉय करते हैं। हाँ जी पेज देख लो जी, पेज कोरिया में बैठ गई। ये आपकी डिल्यूजनल ड्रीम था, अब सच्चाई बोलो, रियलिटी चेक दो। नहीं अभी हम बैठे हैं हवेली पे अमृतसर में। यस मम्मा का मन था, कहती मैंने ना बहुत सारे के ड्रामा देख लिया, मेरा मन कर रहा है वो सब देख के रामेन खाने का। मैंने कहा यार वो आपको यहाँ तो मिलेगी नहीं, कोई कोरियन रेस्टोरेंट चलते हैं। मैं लाइक चुपचाप चल रहे हवेली। बट मम्मा पता है दिल्ली में भी ना जैसे गुरजीत दीदी हैं तो और बाकी भी है ना, तो वो सब भी जैसे कोरियन रेस्टोरेंट्स गए थे। तो गाइस अगर आप भी गए हो तो प्लीज़ हमें रिकमेंडेशंस दे दो, तो हम भी जाएंगे। हाँ हाँ मतलब मेन दिल्ली में बहुत है एक्चुअली, मुझे अमृतसर का पता नहीं, तो वहाँ पे जाएंगे दिल्ली में, फिर ट्राई करेंगे ठीक है, रामेन वगैरह कुछ वेज आ रही है। अब देखो हम हवेली से बाहर आ गए, सारागढ़ी सराय हवेली से, जहाँ भी हमने चाउमीन खाई है। बाहर आके अब ये चेकआउट करो, इतनी ह्यूज स्क्रीन है, इतना सुंदर लग रहा है ना, वाओ। वीडियो मैंने बोला था कि रूम बुक नहीं हो रहा तो आप जरा हेल्प कर दो, वीडियो मेरी अपनी तरफ से पूरी हेल्प करी मेरी, मेरे को फोन भी करा वीडियो तक सब फुल चल रहे हैं, तो फिर भी तुम आगे अगर ट्राई कर लेना ठीक है। लेकिन मुझे हेल्प बहुत, थैंक यू। हाँ जी, तो एक बार शॉप का नाम बता दो। बाटिया, 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 बाटिया,
ये लंगर हाल है। हाँ जी, साथ ही जो पार्किंग है। यस, इसके ये थोड़ा व्यू है गाइस। अभी हम आ गए हैं पूरा अच्छे से एक अमृतसर का शॉर्ट टूर लेके वापसी। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी दी है, तो गाइस यहाँ पे व्लॉग का एंड, ठीक है? यस। और हमने मैक्सिमम दिखाने की कोशिश तो करी है, और अभी एक्चुअली आज हम जस्ट हम आए हैं, सो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जितना हुआ अभी तो वैसे दो दिन और हैं, कल के नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। हाँ जी, कल तो बहुत कुछ होगा, और जो चीज़ें हमने ली हैं कुछ चीज़ें नहीं दिखा पाए, तो हम कल के व्लॉग में दिखा देंगे। कोई बात नहीं, तो बने रहिए व्लॉग में। तो बाय।